दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी गवर्नमेंट जॉब में। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर 2018 में रेलवे द्वारा दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें कि आपको रेलवे एलपी, रेलवे टेक्नीशियन दोस्तों यहाँ पर और आपके यहाँ पर आरआरबी दोस्तों ग्रुप डी की जो पिछली बार के दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं टीसीएस दोस्तों पैटर्न पर, वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम एनटीपीसी और रेलवे में दोस्तों आपको एंड ग्रुप डी में आपका यहाँ पर आपको मदद पहुँचे, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा पिछला हो गया था कि मुकुलन दोस्तों रीजनरेशन द्वारा यहाँ पर प्रजनन कौन करता है, तो वो हाइड्रा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि मैग्नीशियम आप लोग यहाँ पर हवा में जलाएंगे तो वो क्या जलाएंगे, आप लोग ऑक्सीजन जलाएंगे, ठीक है। दोस्तों अगर ऑक्सीजन यहाँ पर मिलेगी हवा में जलाएंगे तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ बनेगा, तो आंसर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। दोस्तों आपको पता होगा कि महासागरों में शैवाल दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, तो उसमें यहाँ पर वो सड़ेंगे नीचे जड़ों में उसके, दोस्तों यहाँ पर वहाँ से गैस निकलेगी, वो हमारी मीथेन गैस निकलेगी, तो वो लोग यहाँ पर अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं मीथेन गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। दोस्तों निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर सेकेंड दोस्तों यहाँ पर होता है, और दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पर वेग का दोस्तों ऐसा ही हमारा यूनिट होता है, वो मीटर सेकंड होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर आपका मीटर सेकंड आया है। ये दोस्तों निर्वात में यहाँ पर प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्र, विहार, स्तूप और स्तंभ। दोस्तों चार चीज़ें याद रखना है आपके, चैत्र, विहार, स्तूप और स्तंभ। दोस्तों ये चार चीज़ें हमारी बौद्ध धर्म में यहाँ पर यूज होती हैं, तो आपका बौद्ध आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, 2017 में प्रकाशित भारतीय उपन्यास वेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन हैं। दोस्तों आपके यहाँ पर संध्या मेनन है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण। दोस्तों ये पता होना चाहिए आपको, कच्छ का रण भारत में किस जगह है या भारत के किस राज्य में है। दोस्तों कच्छ का रण यहाँ पर हमारा गुजरात में है, आपको पता होगा, तो आंसर होगा इसका गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस खिलाड़ी ने अत्याध्यात्मक पुस्तक एग अगेंस्ट ऑड्स। दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपकी आगामी एग्जाम में। एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है, तो ये सानिया मिर्जा ने लिखी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये टेनिस खेलती है, ठीक है। इनका विवाह किससे हुआ था आप सब जानते होंगे, शुएब मलिक से, जो कि क्रिकेटर हैं पाकिस्तान की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग अमोनिया नाइट्रेट का दोस्तों यहाँ पर आप लोग यहाँ पर तापीय अपघटन करेंगे तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्साइड यहाँ मिलेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा N2O और H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के दूसरे समीकरण किसके द्वारा संबंध बताता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गति का दूसरा समीकरण आपका किस चीज़ में यहाँ पर संबंध बताता है, ठीक है। तो गति का दूसरा समीकरण होता है वो स्थान और यहाँ पर समय के बीच यहाँ पर संबंध बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं, अंटार्कटिका की जैसी बर्फ जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकते हैं। उनका नाम दोस्तों जीवाणु होता है। जीवाणु दोस्तों कहीं भी आपको मिल सकता है, चाहे वो बर्फ हो, चाहे यहाँ पर आपका पानी हो, कहीं में भी आपका जीवाणु मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने के लिए की प्रक्रिया को कहा जाता है विभेदन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या है। देखिए जो विद्युत आवेश होता है इसकी ऐसा इकाई आपकी कूलाम होती है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर बना देती है। देखिए दोस्तों जो चूने के पानी को दोस्तों दुधिया कर देती है वो आपका CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। दोस्तों पौधे जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित करते हैं उसका नाम स्टार्च होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वो स्टार्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि परमाणु द्रव्यमान आपका सबसे कम होता है वो हाइड्रोजन का दोस्तों होता है, इसलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन यहाँ पर आपका जो आवरण है
दोस्तों पहले वर्ग में पहले नंबर पर रखा गया है, जो कि दोस्तों एक अपवाद भी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन सॉरी ये गैस है हाइड्रोजन। और दोस्तों पहले आवर्त सारणी के पहले वर्ग में आपके यहाँ पर क्षारीय धातु दोस्तों रखी गई है, जैसे कि लिथियम है आपका दोस्तों, यहाँ पर आपका कैल्शियम सोडियम है दोस्तों, ये सभी आपकी रखी गई है। ठीक है दोस्तों, उसी आबाद में हाइड्रोजन सबसे ऊपर रखा गया है, जो कि एक यहाँ पर अपवाद है आवर्त सारणी का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम आपका द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कूलाम का नियम क्या बताता है, मतलब क्या कहता है। ठीक है तो ये कहता है आपका दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है तो ये आपको सीधा परिभाषा दिया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता। दोस्तों ये एक चीज़ होती है वो धातु ना ही अधातु दोस्तों, यहाँ पर वो दोस्तों यहाँ पर आपका कार्य नहीं करता है, वो बिस्मत है। ठीक है ये दोस्तों उपधातु होता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1962 में स्थापित डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो वाहन दोस्तों होते हैं उनकी हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है। अवतल दर्पण दोस्तों यहाँ पर नाक कान के डॉक्टर होते हैं वो भी इसमें यूज होता है, शॉर्ट कुकर में भी आपका अवतल दर्पण यूज होता है, तो बहुत सी चीज़ों में अवतल दर्पण यूज होता है, आपको याद रखना है। एक मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। दोस्तों आपको पता होना एक मीटर बराबर क्या होता है, यहाँ पर 1000 किलोमीटर। दोस्तों जब इसका भाग देंगे आप तो यहाँ पर आपको मिलेगा, मतलब कि दोस्तों इसको ऐसा लिखेंगे आप लोग तो यहाँ पर आपका 0.001 आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपिता की सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिवर्स एड्रेस है, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। दोस्तों उनका नाम है, आप सभी जानते हो कि बहुत महान है ये, अब्राहम लिंकन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बाहुबली। देखिए दोस्तों ये बहुत ही अधिक कमाई की थी पिछली बार इसने 2018 में। बाहुबली के निदेशक कौन है, तो दोस्तों बाहुबली के निदेशक SS राजमौली है। ठीक है किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने पाँच दिनों के भीतर लगातार दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके सबसे तेज कीर्तिमान बनाया है। दोस्तों इन्होंने 5 दिनों में 2 बार चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट, इनका नाम है अंशु जैम सेपा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस प्रकार के अभी क्वेश्चन दोस्तों आते हैं रेलवे ग्रुप डी हो या NTPC हो या ALP दोस्तों हो, उसमें तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों किस प्रकार की आपको तैयारी करनी है। आप रेगुलर दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, आपको दोस्तों यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो लगातार मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।